एवरीवन, मैं हूं सुधांशु। तो आज चलिए बनाते हैं वेजीज ओवरलोडेड पिज्जा, वो भी बहुत ही सिंपल वे में। चलिए सबसे पहले ईस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हमें मिल्क चाहिए। चलिए मिल्क को थोड़ा सा हल्का गुनगुना गर्म कर लेते हैं। तो लीजिए, गुनगुना गर्म हो गया है। अब इसे एक बाउल में खाली कर लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं। चलिए गैस के फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे करते हैं ट्रांसफर बाउल में। अब इसमें जाएगा शुगर, मैं यहाँ पे अराउंड 2 टेबलस्पून शुगर यूज कर रहा हूँ। अब इसमें जाएगा ईस्ट, मैं यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून ईस्ट यूज करूंगा। ये एक्टिव ड्राई ईस्ट है। अगर आप इंस्टेंट ईस्ट यूज कर रहे हैं तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव कर रहे हैं तो ये स्टेप जरूर से करें। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ज्यादा हमें मिक्स नहीं करना है, बस हल्का सा मिक्स करना है और इसे कवर करके 15 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा राइज हो जाए। लीजिए, 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ईस्ट ने अपना काम कर दिया है। तो चलिए अब डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैं यहाँ पे मैदा का यूज कर रहा हूँ, जो कि 2 कप है। तो चलिए 2 कप मैदा ले लिया, बीच में सेंटर पे होल बना देते हैं यहाँ पे। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा ईस्ट इसमें ऐड करेंगे। ईस्ट को ऐड करके ऐसे थोड़ा थोड़ा कोट कर ले दोनों हाथों से और बहुत ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के इसे हम डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लिक्विड और चिपचिपा हो जाएगा। तो जितना ज़रूरत होगी उतना ही हम यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका डो बना लेते हैं। तो लीजिए, डो बन के हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हमें नीट करना है कम से कम 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट हम इसे इस तरह से नीट करेंगे, जिस तरह हम ब्रेड का डो जो है नीट करते हैं उसी तरह से हमें इसे भी नीट करना है। तो लीजिए, इसे 15 मिनट हो गया है मुझे नीट करते हुए। अब हम क्या करेंगे, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया ये। तो चलिए अब इसे हम एक बॉल लेते हैं और उसमें ऐसे प्लेस कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसे टिन फिल्म में रैप कर देंगे, एयर टाइट, कहीं से भी एयर पास ना हो। इस तरह से खींच के एकदम टाइट कर दें इसे। तो लीजिए, रैप हो गई अच्छे से। अब इसे हम 1 से 2 घंटे तक छोड़ देंगे, जब तक कि ये डबल इन साइज नहीं हो जाता तब तक हम इसे छोड़ देंगे एयर टाइट होके। तो चलिए, जब तक डो राइज हो रहा है हम जो है पिज्ज़ा का सॉस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम जार में डाइस किए हुए टमाटोज लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज टमाटो यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें जाएगा गार्लिक। अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिली या रेड चिली और थोड़ा सा जिंजर। इसे डाल के हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए, एक पैन में हम ऑयल ले लेते हैं, अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेते हैं। तो चलिए, अब टमाटो पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं, चला देते हैं एक बार अच्छे से। टमाटर को अब हम अच्छे से पका लेंगे, इसे ड्राई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा थिक पेस्ट मिल जाए हमें। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार। इसे डाल के अच्छे से हम चला लेते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा सॉस तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं, जो पिज़्ज़ा का टेक्सचर होता है वो देने के लिए, या तो आप इसे ओरिजिनल भी रख सकते हैं। अगर आप रेड फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे आपको रेड कलर मिल जाएगा। तो लीजिए, ये सॉस तैयार हो गया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो लीजिए, 1 घंटा हो गया है और हमारा डो भी राइज हो गया है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और ओपन करके इसे सरफेस पे निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ा सा स्टिकी हो गया है ये। पहले सरफेस पे हम थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं और इसे ऊपर से भी थोड़ा सा डस्ट कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। अब इसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए घुमाते रहेंगे। चलिए, इसे थोड़ा सा रोल कर लेते हैं ताकि हर जगह से बराबर हो जाइए। तो इसमें शेप देने कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना बड़ा आप जिस शेप में भी करना चाहें कर सकते हैं, या तो गोल करें या तो रेक्टेंगल करें लंबाई में। तो लीजिए, मैंने इसे रोल कर दिया है। मैं इतना ही, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इसे, तो बस इसी इतना ही शेप पे करते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, साइड पे हम इस तरह से थोड़ा सा पंच कर देते हैं ताकि जो है ये एक सर्कल में ही रहे।
ताकि बीच में जो हम स्टफिंग करें वो जो है बीच में ही रहे, ताकि इधर उधर गिरे ना। इस तरह से हम पंचा कर लेते हैं ताकि एक हमें शेप मिल जाता है। और आप चाहे तो इसे हल्का हल्का इस तरह से साइड से दबा भी सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। तो लीजिए, ये हमारा डन हो गया है। अब इसे हम बेकिंग ट्रे पे ट्रांसफर करेंगे। इसे लाइटली सॉफ्टली उठाते हैं हाथ से, ऐसे बेकिंग ट्रे लेते हैं और इसे इस पे धीरे से प्लेस कर देते हैं। आप चाहे तो इसे पैन में भी बना सकते हैं, बस सिंपल है, बस स्टफिंग करके आप पैन में सीधे रख दें तो भी ये तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, ये इस तरह से पिज़्ज़ा का मेन डन हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, हर जगह पंच करना होगा। मैं यहाँ पे फोक से पंच कर देता हूँ ताकि बीच में से ये एक्सेस राइज ना करे जब हम बेक करें। तो इस तरह से हम इसे पंच कर देते हैं और जब हम सॉस इस पे इसके ऊपर लगाएंगे तब इसके अंदर तक सॉस भी चला जाएगा और फ्लेवर भी चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसे पंच कर देते हैं। तो चलिए, अब हम सॉस को पिज़्ज़ा बेस पे डाल देते हैं। इसे डाल के अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं इवनली। लीजिए, इस तरह से हम पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा इसके अपर साइड पे भी लगा दें ताकि फ्लेवर जो है इधर भी आए। तो लीजिए, सॉस लग गया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर मेयोनीज लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम मेयोनीज लगाते हैं। मेयोनीज लगा के इसे हम स्प्रेड कर देते हैं अच्छे से। तो मेयोनीज लगाने के बाद इसके ऊपर हम थर्ड लेयरिंग करेंगे चीज़ की, ग्रेटेड मोजरेला चीज़ की। इसे ऑल ओवर स्प्रेड कर देते हैं चीज़ के बाद। अब बारी आती है ढेर सारी वेजीज की। तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा अनियन स्प्रेड कर देता हूँ। इसके बाद मैं डालूँगा यहाँ पे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बाद हम डालेंगे थोड़े से टमाटर। इसके बाद हम डालेंगे इस पे स्वीट कॉर्न। अगर आपको नहीं पसंद है स्वीट कॉर्न तो आप ये चीज़ स्किप कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कुछ भी, कोई भी वेजीज आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट हो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब हम डालेंगे इस पे थोड़ी सी कटी हुई मिर्च। मिर्च डालने से ये होगा थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इस पे थोड़ा सा ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देते हैं थोड़ा सा। तो लीजिए, तैयार है हमारा वेजीज ओवरलोडेड पिज़्ज़ा बेक में जाने के लिए। तो चलिए इसे बेक कर देते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 टू 30 मिनट्स के लिए। तो चलिए इसे ओवन में रख देते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा वेजी ओवरलोडेड पिज़्ज़ा। इसे चलिए कट कर लेते हैं। तो स्प्रिंकल करें थोड़ा सा ओरिगैनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और एंजॉय करें गर्मा गर्म वेजीज ओवरलोडेड पिज़्ज़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा है आपको रेसिपी समझ आई होगी। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रहें और भी इनोवेटिव रेसिपी सीखने के लिए जुड़े रहें द किंग ऑफ दोस्तों के साथ।